गाइस सुनिए, अपन पहले सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में ऐसा हो सकता है शायद से आपको आधा मार्क ज़्यादा आधा मार्क कम गलती से दे दिया हो, उसके लिए भी झगड़ा मत करना। पर अगर आपको ये समझना है कि सर मैंने ये लिखा है उसमें क्या गलत है, तो वो पूछ लेना। सर इसमें तो इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, वो मत अभी प्लीज़ करना भैर। मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बेटा प्लीज़ ये वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बिटवीन टू इंटीजर्स एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। कोई भी दो इंटीजर्स टू एंड थ्री, हाँ तो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते थे। बेटा अब याद करो, कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर लिखना, इरेशनल नंबर लिखना याद है? 1/3, 1/2 के बीच में लिखना याद है तुम लोगों को? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। √2, √3 के बीच में लिखना याद है? √2 की 1.41, √3 की 1.7। मेरे लिए एक बार √5 की भी याद कर लो, 2.23, ठीक है। इसके बीच में कुछ आ जाए लिख सकते हो आप लोग, राजा ध्यान दो। अच्छा, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इंटीजर्स, तो ये फॉल्स हो जाता है। क्यों? कोई भी दो रैशनल नंबर 5.5 एंड 7.8, बेटा इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ दो इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 और 7। रादर 2.2 और 2.3 के बीच में तो कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। फेयर एनफ है यहाँ तक के? क्वेश्चन नंबर टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थ्योरम पे आपका एल की वैल्यू आ जाएगी 5। एग्जाम में अगर कुछ दिया हुआ नहीं रहे तो वैसे आप लोगों ने पाई की वैल्यू 22/7 लेना चाहिए। यहाँ पे मैं 3.14 ले रहा हूँ, ये मानते हुए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 यूज करो। कई लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है, वो पाई आर एच लिख रहे हैं, कुछ पाई आर एल प्लस आर लिख रहे हैं, ये गलतियाँ मत करो बच्चा लोग प्लीज। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3.14 रेडियस कितना है 3, स्लैंट हाइट कितनी है बच्चा मेरी 5, 3.14 × 15, ये 47.1। इफ आई एम नॉट श्योर, तूने कुछ तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखी है वैसे, हाँ, और उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखी है तूने, तो उसके कारण से मार्क्स कट रहा था उस पर। अगर तुमको आ गया ये ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव में, इट शुड हैव बीन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिलीमीटर स्क्वायर में लिख, बट स्क्वायर में लिखना है उसको, ठीक है ना? याद रखे, ठीक है गाइस? गलत आया था। अब ये देखो, इसका नाम क्या है, इक्वेशन क्या, यस 8x 8y = 9, इसको टू वेरिएबल्स में लिखना है। तो पहले तो x नहीं है तो 0x हो जाएगा बेटा, प्लस 8y - 9 = 0, या जो भी रहेगा फेयर ना। याद रखे, अब वहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस है, 0x + 8y - 9 = 0। सी बेटा, ये जो डॉट दिया है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फेयर इनफ है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, ये प्लस ये प्लस ये कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। किस कारण होना चाहिए, वो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन का, आई थिंक 12x = 180, एक्स की वैल्यू से 15 डिग्री आ रही है। अब गाइस 6th क्वेश्चन मैंने मेजर लोगों का गलत देखा है। बेटा रोम्बस के अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होता है, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। बाइसेक्ट कैसे हो रहे हैं, अगर डायगोनल की बात करूँगा तो होंगे ना बाइसेक्ट, हाँ तो क्या। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी का ये 110 डिग्री है, मुझे आप लोगों ने आप लोगों से मांगा गया था ये वाला एंगल, तो वो भी 110 डिग्री हो जाएगा। देखो बेटर क्वेश्चन वुड हैव बीन अगर मैं आप लोगों से बी सी ए एंगल मांगता, ये बताओ ये एंगल कितना हो रहा है, ये जो हीर जो बोल रही है बाइसेक्ट वाला, वो तब काम में आता,
ये 110 तो ये भी 110, वो 110 तो उसका आधा 55। रादर और बेटर क्वेश्चन होता अगर मैंने आप लोगों से ये वाला एंगल मांगा होता, तो ये 110 तो ये पूरा को रहा 70, 70 का आधा ये 33। समझ में आ रहा है ये चीज़ है? दिस क्वेश्चन नंबर 6। 7th देखो, ये इजी था, एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है, जिसका इक्वल 5 है और अनइक्वल वाला 4 है, इसका एरिया निकालना है। सेमी पेरीमीटर निकाला आप लोगों का 7 आया, एरिया निकाला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये 2 और 2 का ये बाहर निकल गया, और ये रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फालतू का था। अब देखो ये क्वेश्चन गलती जो मैंने आंसर की बना के भेजी हुई है ना, उसने गलत भेजी हुई है, ठीक है ना। ये देखो, आपको बोला गया है कि बी सी ओ से पास होना चाहिए, मतलब बी सी डायमीटर बनना चाहिए, तो एक्स तो पक्का से कितना होना चाहिए उसमें 90 डिग्री, तो ये और ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, ठीक है, एक्स से 90 डिग्री होनी चाहिए, और वाई की कुछ नहीं, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो 65 आएगा, 55 आएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। मैंने गलती से वो 55 किया हुआ है कैलकुलेशन गलती का, ठीक है ना। किसी को कोई इशूज़ है बेटा? एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक भी ऑप्शन है ही नहीं जो अपना आंसर है, ठीक है ना। तो एक बार के लिए देखो, वैसे दिस शुड नॉट बी हैपनिंग इन योर स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड में होता है, स्कूल के इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ रहे है ना तो वो आके आप लोगों को बोल देते हैं कि क्या करना है, वो चारों ऑप्शन चेंज करवा देंगे आप लोगों से या क्वेश्चन चेंज करवा देंगे, बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को जैसा भी बता रहा हूँ, बोर्ड्स में ऐसा कुछ हो जाए, आपका आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे, काट दोगे या तो, यानी मान लो वो फॉर एग्जाम्पल रुद्र तेरा बोलना बिल्कुल सही है, कुछ नहीं आया तो तुक्का, ठीक है ना, आजा ध्यान देना बेटा, कुछ भी नहीं आया तो आप लोग तुक्का मार लोगे, वो ठीक है। मेरा ये बोलना है करके मान लो ऑप्शंस का नहीं था रुद्र, तो क्या ऐसा मैं छोड़ के बता देना क्वेश्चन, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत निकल गया, विच इज़ रेयर अगेन, क्वेश्चन गलत निकल गया तभी मार्क्स मिलेगा जब आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को, फाइन। अब एक बार देखो क्वेश्चन क्या है राजा, एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है। बट एक आइसोसेलस राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री तो है और कोई दो साइड इक्वल है, मुझे बताओ कौन से दो साइड इक्वल हो सकता है, ये ए बी सी है तो ए सी इक्वल हो ही नहीं पाएगा बेटा कभी भी, ए सी सबसे बड़ा साइड रहेगा, वो हाइपोटेनियस है, तो बचे हुए ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, हाफ बेस इनटू हाइट, विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू बच्चा लोग 4 हो जाएगी। अब याद करो फिजिक्स में कई बार यूज़ किए थे, ये 4 ये 4 तो ये 4 रूट 2, याद है अपने को, वो क्लॉक वॉक वाले में, सर्कुलर वाले में कहते ना RRR रूट 2 वगैरह वाला, तो ये उससे हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा पेरीमीटर का, 4 + 4 + 4 रूट 2, आंसर 8 + 4 रूट 2 हो रहा है, आपने 4 कॉमन निकला, 2 + रूट 2 ये आंसर आ रहा है, याद रखे, ठीक है। किसी कोई इशूज है इसमें? 8 into क्या बच्चा, ये वाला बोल रहा है, 8 into नहीं है बच्चा, 8+ लिखा है मैंने, ठीक है, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्वियसली। नाउ देख बेटा, ये तेरे को ट्राइंगल ये समझा डायग्राम, आइसोसेलस है इसलिए मेरा ए बी और बी सी इक्वल हुआ है। अब मेरे को इसका एरिया दिया गया था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 8, एक्स इंटू एक्स हो गया था एक्स स्क्वायर, 2 वहाँ पे गया था 16, एक्स की वैल्यू आ गई 4, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी उससे 4√2 आ जाएगा, ठीक है, वो कैसे आएगा देख ले, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 16 + 16 है 32 हो रहा है तेरा ए सी स्क्वायर, तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 32, साइन फैक्टराइजेशन करके करेगा तो 4√2 आ जाएगा उससे, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है राजा, तो 4√2 + 4 + 4 4√2 + 8, 4 कॉमन निकाला, √2 + 2 या 2 + √2 जो भी उतना सेंटीमीटर, बेटा साइड्स है लेंथ है, तो आप लोगों का सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर टाइप में आने वाला है। दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10th, मैंने एक आई थिंक पता नहीं एक बच्चे के इसमें गलत दिखा था, -5 लिख दिया इसका आंसर, नॉट श्योर हु, आई थिंक यू 0 लिखिए,
पता नहीं किसी के साथ माइनस पाई रखा था बेटा, इस पॉलिनोमियल का जीरो अगर चाहिए है तो पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पे जब ट्रांसपोज हो रहा है ही, तूने कल ट्रांसपोजिशन का क्वेश्चन भेजा था ठीक है ना, ये देखो तो ये जीरो माइनस पाई नहीं होगा, ये जीरो अपॉन पाई होगा सर, क्यू ये मल्टीप्लाइड है तो वहाँ जाके डिविजन में जाएगा, तो दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो, सॉरी अच्छा ओके मालपानी तूने माइनस पाई लिखा है बच्चा, ये अन्य बोला, अब ये देखो ये आप लोगों का एल और एम पैरेलल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, महाफुद्दू का क्वेश्चन है ये, तो ये प्लस ये इक्वल्स टू 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से, कारण लिखना नहीं है आप लोगों को इतना, बस बता रहा हूँ मैं, 4x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 15 डिग्रीज हो रही है, विच ऑफ द, हाँ ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, सर पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बच्चा, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए थी करेक्ट, तो वो सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ए मार्क कर देते हो जो कि गलत हो गया, आंसर है डी, ये सबकी सब पॉलिनोमियल है सर, कैसे, तो बेटा देखो एक्सप्रेशन को, आपको ये इशू दे रहा था बेटा, एक्स की पावर 0.5 का मतलब एक्स की पावर 1/2 होता है, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स होता है, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स हट गया, समझा ये चीज, हाँ 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 आगे ना बेटा तूने बहुत गलतियाँ की है, वो जो है ना अपना x प्लस वाई के होल स्क्वायर वगैरह, x प्लस 1/x होल स्क्वायर वाले, इसमें उसमें पगले जैसी गलतियाँ की हुई है, देख तू अभी पेपर को, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये ओसवाल के इसमें ऐसा पैटर्न से इंस्पायर होकर बनाया है, मुझे बहुत फीलिंग है सेंटर पॉइंट वाले ऐसा कुछ डालने वाले इस बार, हाईली लाइकली है क्योंकि उनका ओसवाल वो रहता है थोड़ा सा ओरिएंटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बच्चे लोगों को ये पता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है सॉल्व भी किया, एक्स की वैल्यू 68 डिग्री आ गई, दिखा फट से टिक मारा गलत हो गया, क्वेश्चन में उसने एक्स की वैल्यू नहीं सबसे छोटे एक्स की वैल्यू मांगी थी, तो सबसे छोटे एंगल की वैल्यू मांगी थी, सबसे छोटा एंगल, अगर बेटा ये 68 हो गया है ये 58 हो जाएगा, ये 98 और ये कुछ तो भी 16 + 1 138 हो रहा है, सबसे छोटा 58 हो रहा है क्या बेटा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल्स टू 360 किया बेटा मैंने, वो एक इक्वेशन बन गई मेरी, उससे सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई, एक्स बेटा एक्स यार जीरो नहीं, वो डिग्रीज है, वो डिग्रीज का सिंबल है ठीक है ना, अगर अगर वो एक्स यार जीरो अगर कुछ होता तो वो वन होता, बट वो एक्स यार जीरो नहीं है, ये देखो ये फालतू का बच्चों जैसा क्वेश्चन था, अपने को बी आर की वैल्यू 8 दी गई थी, अपने को ये पूरे की पूछी गई थी, आप जब करोगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सी पी सी डी से ये भी 8 वो भी 8, तो पूरा को पूरा मिला के 16। क्वेश्चन नंबर 15, अब बच्चे लोग ये ऐसा क्वेश्चन तो पक्का एक्सपेक्टेड आप लोगों के इसमें, ये सर ये नहीं क्वेश्चन नंबर 15 माई बैड, अब ये मत सोचो कि यही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा पैटर्न का आएगा ठीक है ना, और वो मैंने एम सी क्यू में डाला है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है वैसे ठीक है ना, तो प्लीज़ देखो, अभी आप लोगों को दो स्फीयर्स का रेशियो 16:9 दिया गया है, कुछ भी ऐसा रेशियो वेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो मना लो, ऐसा इसका रेडियस मैंने कुछ स्मॉल आर इसका कैपिटल आर मान लिया, सरफेस एरिया वैसे क्या हो जाएगा 4π छोटू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4π कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ तक है ठीक है, अब क्या होगा 4π छोटू आर स्क्वायर अपॉन 4π कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 16/9 दी गई है, कटा कटा आर बाई आर का होल स्क्वायर 16/9 हो रहा है, तो आर बाई आर इक्वल टू 4/3 हो रहा था, यहाँ तक है ठीक है गाइस, नहीं तो ख़त्म होने का मेरी माँ, यहाँ तक है रेडियस इसका रेशियो आया है, राजा समझा बेटा पक्का, अब देखो नेक्स्ट आप लोगों को क्या करने का है, आप लोगों को रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स मांगा गया है, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 4/3 π छोटू आर क्यूब 4/3 π कैपिटल आर क्यूब, उसका रेशियो 4/3 π छोटा आर क्यूब 4/3 π कैपिटल आर क्यूब, ये कटा आर बाय आर का होल क्यूब, आर बाय आर 4/3 था उसका होल क्यूब 64/27 हो जाएगा ना, समझाइए जी क्या हुआ है, ठीक है यस, ये था क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए बेटा अभी आप लोग, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया ये है। आपको सेकंड टर्म में आ रहा है कि हेरोन फर्स्ट टर्म में था? फर्स्ट टर्म में भी था हेरोन था आप लोगों को मेरे साथ फर्स्ट टर्म में था था क्या? हाँ ठीक है। तो देखो अभी एक तो ये देख लो, ये क्वेश्चन के बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एक और रैंडम क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, ठीक है ना। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दिया गया है, वंशदीप का भी पेपर है ना वहाँ पे, हाँ तेरे पास एक सेकंड वंशदीप बेटा पेपर ले ले। ये देखिए गाइस, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, रूट थ्री बाय फोर साइड का स्क्वायर इज फोर रूट थ्री। हमने सॉल्व किया, साइड स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई है, साइड की वैल्यू 8 नहीं हो रही है, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा बेटा, वो 4 स्क्वायर रूट होगा। पर यहाँ पे आके 4 को टिक मत मार देना, उसने पेरीमीटर मांगा था तो 12 हो जाएगा। मैं आपको कुछ और करा रहा हूँ कि अगर मान लो रूट कहते हैं आपका एरिया 4 रूट 3 दिया गया है, मेरा ये पूछना है इसका ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले आपको साइड निकालना ही पड़ेगा। आपका साइड जितना आ रहा है इसका 4, जब सॉल्व कर रहे हैं अपन पूरा का पूरा तो 4 आ रहा है। फिर आप लोग क्या करोगे, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया अपना 4 रूट 3 है, हाफ तो हाफ ही होता है, बेस कितना है बेटा मेरा 4, बेस है मेरा 4 और हाइट की वैल्यू मांगी गई है मुझसे, समझ रहे राजा, ये वनजा ये टूजा ये वनजा ये टूजा, तो आंसर बच्चा लोग 2√3 सेंटीमीटर मीटर वो हो गया पक्का। ये भी अगर क्वेश्चन है 3 मार्क का क्वेश्चन बेटा, ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ, और उसका अगर हाइट पूछ रहा है गलती से वो, तो दे विल मेंशन कौन से वर्टेक्स से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपलर क्वेश्चन में देता आप लोगों को, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट, तो ये एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बेटा ये सिंबल का मतलब क्या होता है, तो वो प्लस या माइनस, यानी इसका बोलने का मतलब है आंसर प्लस 3 या माइनस 3 दोनों हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने कभी अगर यूज़ किया होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू अपन लिखते ना 3 या माइनस 3, इसी को प्लस माइनस 3 ऐसा भी लिख सकते थे। ये 17th हो गया। 18th क्वेश्चन अगेन MCQ नहीं है बट मैंने पूछा है, ठीक है ना। ये देखो इसको सॉल्व करने का, हाँ 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 सॉरी 17 डाला, देख तेरा कोई भी पॉइंट है बच्चा, जैसे माइनस 3 का माइनस 4 है, उसका देखो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस बताना है तो वाई वाला जो है उसको पॉजिटिव करके आंसर देना, साइन अपोजिट करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ पॉजिटिव करके, ठीक है ना। नहीं बस प्लस 4, बस प्लस 4 पॉजिटिव कर देना उसको, माइनस 4 था तो पॉजिटिव 4, खुद पहले से पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही 4, ठीक है। यही अगर वाई एक्सिस से पूछे बेटा तो तू पॉजिटिव करेगा, करेक्ट। 17th हो गया। 18th क्वेश्चन बिल्कुल भी MCQ लायक नहीं था बट अपने डाल दिया है, हाँ हाँ। तो ये देखो एक बार, ये पहले मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाई सॉरी एक्सी बाप पी माइनस आर, यहाँ पे कोई तो भी एक बच्चा है आई थिंक हर्षदीप, देखो मार्क्स नहीं मिले उस चीज़ से जो तूने किया है 0, हाँ कोई तो भी एक बच्चा है, आंसर उसने लिखा है 1 शायद से और उसको मार्क्स मैंने दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाँ तू 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 वैसे तो कोई एग्जाम में मिल जाएगा, तूने गलत किया है इसलिए मैंने मार्क्स नहीं दिया है, तूने वैसे लिख दिया है 1 एग्ज़ाम में कुछ, देखो सुनो MCQ में कुछ नहीं आ रहा एग्ज़ाम में, छापने का मत रखना दिमाग में तुमको, कुछ नहीं नहीं हाँ वो ठीक है कुछ नहीं आ रहा है, तुक्का मार के आ जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो लोगों को देखना है तुमने क्या किया है, MCQ होते उसके लिए है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो पहले इसने प्रॉपर्टी लगाया तो वो 1/QR हुआ, ठीक है, फिर ये xe power p-r/QR हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले में लगाऊंगा तो xe power r-p/1/RP हो रहा है, तीसरा वाला xe power p-q/1/PQ हो रहा है, तो ये हो गया r-p/RP xe power p-q/PQ। अब क्या करना है बच्चा लोग, ये पहले मैं तीनों को अब a^m (a^n) वाली प्रॉपर्टी चल रही है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सबकी सब, ए यार क्यू आर कैसे हो गया, हाँ क्यू माइनस आ रहा है, हाँ ये +r-p/RP + p-q/PQ वाला सीन चल रहा है, तो ये जाएगा xe power, मैंने LCM लिया तो यहाँ पे ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई किया,
यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने क्यू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा वो क्या हो जाएगा एक्स की पावर पी, मैं कुछ तो भी गलत लिख रहा हूँ यार, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ठीक है ना। हाँ, एक्स की पावर पी इंटू क्यू माइनस आर, एक सेकंड छोटा सॉरी, क्या क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू द होल ओवर पी क्यू आर, तो ये एक्स की पावर हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर द होल ओवर पी क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस आर क्यू माइनस आर क्यू, तो एक्स की पावर जीरो अपॉन पी क्यू आर दैट विल बिकम इक्वल टू वन। जिन बच्चों को ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस में इशू है मुझे बता देना, मैं आप लोगों को उसका वीडियो सेट भेज दूंगा, वो बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, उसके अंदर बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी है जो पूछे गए हैं पहले एग्जाम्स में, अगर आप लोगों को लगता है आपको देखना है तो मुझे बता देना आफ्टर क्लास में, आपको उसका वीडियो सेट भेज दूंगा। हाँ तो क्या होगा कुछ की पावर, मैं नहीं समझा मतलब, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, हाँ मे बी वो भी सिंपल है, हाँ तो भी तीन मार्क का ही है, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 19, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये आपको नेक्स्ट ईयर ये चीज़ करने के लिए जब आएगी ट्राइंगल चैप्टर में आएगी, तो उस क्वेश्चन को त्रिशूल वाला क्वेश्चन बोलते हैं, किसी को याद रहेगा अगस्त में शुरू होगा नियरली चैप्टर अप्रोक्सीमेटली त्रिशूल वाला क्वेश्चन। तो सुनो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए डी मीडियन है, मीडियन होने का मतलब क्या होता है बताना, ये और ये इक्वल हो गया है, उसको अपन ने एक्सटेंड किया कहाँ तक के एक्स तक के सच दैट ए डी और डी एक्स इक्वल हो गए, तो ए बी एक्स सी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है बेटा, क्योंकि वो क्वाड्रिलैटरल के डायगनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, इस कारण से वो क्या बन गया है पैरेललोग्राम बन चुका है। यहाँ तक ये बढ़िया है लाइफ अपनी, पक्का डायगनल्स बाइसेक्ट अगर तो पैरेललोग्राम बन रहा है, तो दिस इज ट्रू। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड 19 दिस फॉल्स, नहीं। नेक्स्ट क्या है, डायगनल ए एक्स एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्या ये हमेशा 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करेगा क्या? से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया है, फेयर इनफ। तो 90 था पर वो बाइसेक्ट नहीं करता बच्चा, फिर तो ऑल्टीट्यूड डजंट बाइसेक्ट अनलेस वो आइसोसेलस हो या इक्विलैटरल हो। क्वेश्चन नंबर 20, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये रिमाइंडर बच रहा है, अब डिविजन करके नहीं दिखाना है आपको, आपको क्या करने का है रिमाइंडर थ्योरम, तो ये ट्रू यही बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, अगर एक कोई पॉलिनोमियल है इसको मैं ए एक्स माइनस बी से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर चाहता हूँ, तो मैं एक्स की वैल्यू बी माइनस बी अपॉन ए डाल दूँ, तो यही तो अपना रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा था, क्या करते थे अपन ए एक्स माइनस बी को इक्वल टू जीरो करते थे, ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स की वैल्यू बी बाय ए हो जाती थी, ये बी बाय ए मैं ए एक्स की जगह पर डालता था तो आंसर मेरा रिमाइंडर आता था, तो ये भी तो वही बोल रहा है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जा रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि तो रिमाइंडर भी तो वैसे ही निकाला ना 1/3 डाल के। नाउ गाइस, दिस तनाया का गलत हुआ है और भी कई लोगों का गलत हुआ है, बेटा सुनो वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू ये है, बेटा ये टिपिकली वो क्वेश्चन है या क्वेश्चन सेट है जिस कारण से जैसे आपकी स्कूल बताती है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो आंसर आ जाएगा, वैसा मैंने नहीं कराया है, क्योंकि आप लोगों के बैच में तो इतना वो बवाल है चिल्लम चोट नहीं उठाए कि सर अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो बच्चे वाले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो हमको स्कूल ने ऐसा बताया, उससे आंसर आना शुरू होता है, बिल्कुल सही बताया स्कूल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अपना अप्रोच क्या रहता है उसके बीच में रिलेशन कैसे आएगा वो आइडेंटिटी लगाना शुरू करो, तुम लोग भी वही कर रहे हो पर तुमको आदत इतनी हो जाती है कि जो गिवन है उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की, इसीलिए मैं वैसे नहीं पढ़ाया था, तो अब देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड और वो जो दो चीज़ है उसमें कैसे आएगा रिलेशन, तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से आएगा, तब ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2xy plus 2yz plus 2xz होता है, जिसका 2 मैं कॉमन निकाल दे रहा हूं अभी के लिए। तूने 2 नहीं लिखा शायद वाला, गलती हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब जिसकी वैल्यू पता है डाल दो, x plus y plus z का होल स्क्वायर इज इक्वल x square plus y square plus z square, तो ये 18 हो गया, प्लस 2 into 9, 18 plus 18 36 हो गया। अब मेजॉरिटी बच्चों ने इसके आगे x plus y plus z के लिए 6 लिख दिया। तूने 6 एंड माइनस 6 लिखा है ना, हाँ आई थिंक एक उसने लिखा है, तूने भी 6 ही लिखा है मोस्टली, हाँ मेजरली बच्चों ने 6 ही लिखा है 99% ने। ये बेटा 6 या फिर माइनस 6 दोनों होने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज। किसका स्क्वायर 36 हो रहा है बच्चा, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। क्यूब में नहीं होगा, किसका क्यूब 8 हो रहा है तो सिर्फ 2 का हो रहा है, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया बच्चा, चलो क्वेश्चन नंबर 22। रौनक आर यू विथ मी ओवर हियर, हाँ राजा कुछ बोला बच्चा, रेड पेन से सॉल्व करके दिखाऊं, हाँ वैसे यस, किसी बच्चे को अगर ये x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू ढूंढो वगैरह का इशू है, पहली बात तो देखो तो भेज दिया बेटा, ये 2 मार्क से 3 मार्क का आने ही वाला है, हर साल CPS पूछती है, बस फायदा क्या था पहले ना, वो फर्स्ट टर्म में रहता था, फर्स्ट टर्म में पूछे निपटा देती थी, सेकेंड टर्म तक के पूछने चांसेस कम हो जाते थे, इस बार तुम्हारे को सेकेंड टर्म में आया, तो किसी को अगर इसका भी इशू है, 2 वीडियोज है, सिंपल वीडियोज है, फट 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 समझ में आ जाएगा ये ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन का, किसी को इशू है तो पूछ लेना, मेरे को बता देना, मैं आपको उसका वीडियो भेज दूंगा। राजा को अब ये वाला इशू है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है कुछ 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, या मैं एक को बता रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब वगैरह की वैल्यू बताओ। देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है, जैसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ रहा हूँ, जैसे मैं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ रहा हूँ, और ये तीसरा वाला भी देख लो, मैं एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 पूछ रहा हूँ, ये वैसे लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का केस स्टडी बेस, बट स्टिल देख लो बेटा, ये और ये में रिलेशन क्या आ रहा है, स्क्वायर करूँगा होल स्क्वायर तो आ जाएगा, तो बेटा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू 2 ही हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पता है डाल दो, इसकी वैल्यू पता थी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 9 हो गया है मेरा, 9 इज इक्वल टू जो भी, अब ये 2 को वहाँ भेज दूंगा तो 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, समझा भाई लोगों को, हाँ हाँ। वो लोग बोलते हैं कि इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो उससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो उससे भी 7 आंसर सही है उन लोगों का, पर जहाँ से वो उल्टा वाले क्वेश्चन आते हैं एक स्टेप कम है बस, यानी अपन आइडेंटिटी लिख रहे हैं, वो आइडेंटिटी लिखने की जगह पे डायरेक्टली इसको 3 डाल के कर ले रहे हैं वैसा है, ठीक है। अब सुनो, हाँ हाँ वो वाले आएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब देखो यही अगर मुझे ये निकालना होता तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है मैं ढूंढता, तो मैं क्यूबिंग वाली आइडेंटिटी लगेगी, हाँ एक संख्या गाइस सॉरी, देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब 3 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब में क्या है, तो इन दोनों के बीच में क्यूबिंग वाली आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा मुझे, तो देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, वो एक्स इंटू वन बाई एक्स तो कट जाएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी, अब जो जो वैल्यूज पता है डाल दो, इसकी वैल्यू 3 पता था, एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स वो भी 3 है, सूडा तू प्लीज़ ये ध्यान दे करना, ये 9 ये इधर आ गया तो 18 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होता है। अब मैंने ना पेपर में एक जगह आखिरी क्वेश्चन में ये भी पूछा है, अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, उसमें ये और ये का रिलेशन डायरेक्टली कि पावर 4 नहीं पता होती है, तो पहले अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है उसमें, जो कि 7 आ रही है, वो जैसे ही आ गई उसके बाद में आप लोगों को ये निकालना पड़ता है, हीर का सही था जानवी का गलत था, मेरे को ये दो होता तो याद है, बच्चे लोगों का मुझे एकदम ध्यान नहीं है, ठीक है। अब देखो तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए 7 दी गई है, आपको ये पूछा गया है इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, स्क्वायरिंग वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
का होल स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस टू ए बी कट जाएगा प्लस बी जो ये था का स्क्वायर, तो वो ये हो गया। जिसकी वैल्यू पता है डालो, सेवन का स्क्वायर हो गया बेटा एक्स पावर फोर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स पावर फोर, ये हो गया 49, वो उधर आया ये बन गया 47। समझाइए जी क्या हुआ है। देख ये होल स्क्वायर, ये ए है बेटा ये बी है, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैसे बन रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस टू प्लस वन बाय एक्स पावर फोर। ठीक है बेटा यहाँ तक के का, फिर बची वैल्यू से डाल डाल के कर सकता है राजा, समझा बेटा। अब देखो रौनक इस पे ध्यान दे बेटा, तेरी गलती हुई भी है, मेजरली बच्चों के सही है, रैशनलाइज करना था, बट एक दो बच्चों ने क्या किया है ना, देखो उन्होंने ये सब कुछ सही लिखा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, जानवी तेरा भी ये गलती है बता रहा हूँ तेरे को भी, देख लें। अब ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, बच्चों ने उसको रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया था, और ये रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है। रौनक तूने यहाँ पे भी प्लस लिख दिया है गलती से बेटा, ठीक है ना, तो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, माइनस टू इंटू ए सॉरी a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर द होल ओवर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, तो थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस वन ओवर टू, फोर माइनस टू रूट थ्री ओवर टू। राजा ने आई थिंक ये इसके अंदर फोर बाई टू और माइनस टू बाई टू बाई छोड़ दिया, वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, अच्छा देखो इसलिए आधा मार्क कटा है। अब देखो ये हो जाएगा कितना, फोर बाई टू माइनस टू रूट थ्री बाई टू, तूने कुछ तो भी ना ये इसको वन बाई टू वो थ्री माइनस टू रूट थ्री बाई टू वो यहाँ वो नहीं किया कुछ तो, फिर वो ए और बी वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश किया, वो पता नहीं हाँ तो वो किसी ने कुछ तो भी अजीब सी गलती की हुई है आई थिंक तूने, पता नहीं किसने की है। ये देखो ये होने के बाद में अपना क्या हो जाएगा बेटा, ये टू ऊपर से कॉमन निकला, टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू ये कट गया, तो अंदर टू माइनस रूट थ्री हो रहा है, दैट इज इक्वल ए प्लस बी रूट थ्री। बेटा ए हो रहा है बच्चा आप लोगों का टू, बी की वैल्यू हो रही है माइनस वन, तूने माइनस रूट थ्री लिखा है वहाँ पे ना, वैसे मैंने लिखा हुआ नहीं है, हाँ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स लिखा है बेटा, ध्यान रख तेरा रूट थ्री है कहा तो रैशनल नंबर तो वैसे नहीं बचा है। ठीक है दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 22। 23 मेजरली बच्चों ने गलत किया है बेटा, आपको क्या बोला गया है, राइट अ लीनियर इक्वेशन जिसका ऑर्डिनेट इज थ्री टाइम्स एब्सिसा, इंग्लिश को मैथ में कर नोट करो, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई इज होना चाहिए था इक्वल टू थ्री टाइम्स एब्सिसा, तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, किस्सा खत्म, उसे सोल्यूशन फल्यूशन कुछ नहीं मांगा है, बस खत्म, दो मार्क जिंदाबाद। ये ठीक है। अब देखो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकते थे, y इक्वल्स टू एट इज पैरेलल टू विच एक्सिस फॉर एग्जांपल, तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर हो रहा है तो x एक्सिस से पैरेलल रहेगा, एंड x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कुछ हो रहा है तो वो y एक्सिस से पैरेलल होने वाला है। ठीक है अब सुनो, अगर मैंने कोई पॉइंट ऐसे दे दिया रैंडमली 4 कॉमा अरे मैंने y 4 कॉमा माइनस 3, ठीक है इसमें क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरा, मुझे अगर पूछा जाएगा कि राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो अगर वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, सर एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और ये अगर पूछा एक्स एक्सिस से पैरेलल वाली वाई एक्सिस से पैरेलल वाली चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि फोर के बराबर है। समझा ये चीज़ है। नाउ गाइस ये क्वेश्चन नंबर 24 मेजॉरिटी ने गलत किया हुआ, ये भी कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाई करता है, ये देखो ये तो बच्चों ने सही लिखा है, सेकेंड बच्चों ने ये फर्स्ट लिख दिया पॉजिटिव पॉजिटिव देखे बेटा, वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, आई थिंक हर्ष इसने गलत किया है पक्का, ये बहुत लोगों ने गलत किया, बहुत लोगों ने गलत किया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 28
ये तो मुझे पता नहीं कुछ कुछ बच्चों ने कितना सारा इसके अंदर मार्क्स किया है। क्या दिया हुआ है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। चलो ठीक है, ये तूने 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 तो पता नहीं ऐसे लिखा था, इसमें पूरा पूरा ऐसे लिखा है, पता नहीं क्या 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 किया है तूने क्वेश्चन का। उसके आगे कुछ गलत किया तूने। ये देखो तुम्हारे एक कॉर्ड है जो रेडियस के बराबर है, तो ये इक्वल ट्राइंगल होने का 60 डिग्री हो जाएगा। अब वो मेजर आर्क में मांग रहा है, किसी ने तो भी ये 300 निकाला था पक्का से, कोई है, कोई तो भी है, मुझे पता नहीं, ठीक है, उसका मांगने की जरूरत ही नहीं करने की। आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, कार्य ने लिखा है या फिर अनय या कार्य में से एक ने लिखा है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यस तूने लिखा है। बच्चा ये एंगल सब्टेंडमेंट आर्क एट सेंटर वाला हो गया ना बच्चा, ये 60 हो गया, तो ये आप लोगों का 30 डिग्री किस्सा खत्म, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सब्टेंडेड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हाँ यस, अब देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ये, वैसे मेजॉरिटी लोगों ने सही किया हुआ है, ठीक है ना। एक दो रौनक बेटा तेरी गलती सुन ले, तूने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है, तेरा बस ग्राफ का क्या हुआ है ना बच्चा, जो तूने इसमें बनाया था तूने इतना ही ग्राफ बना दिया और तूने बोल दिया कि नहीं सर ये, यानी तूने ऐसा बनाया है रो कि नहीं ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। रौनक उसको ना एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में ओरिजिन से पास हो रहा था। एक और चीज़ सुनो, देखो वैसे क्या होता है ना, टीचर लोग चेक करती है ध्यान से, तुम लोगों को जाकर आगे क्वेश्चन पूछा कि डज इट पास थ्रू ओरिजिन, तुमने ग्राफ पेपर पे लिखा है क्या, या ग्राफ के पीछे जो जगह रहती है जहाँ पे कई बार बच्चे कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे लिखा है क्या, या फिर वो जो तुम्हारी रूल शीट जो उस पे लिखा है क्या। मेरा सजेशन ये है ग्राफ पे भी लिख लिया करो वहीं की वहीं, और जहाँ पे तुम लोग कैलकुलेशन करो वहाँ पे भी लिख लिया करो, क्योंकि गलती मिस अगर हो गया बोर्ड्स में तो तुम लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी वो एक मार्क के लिए वापस भिजवाना और मंगवाना, इसलिए दोनों जगह पर लिख लिया करो। बच्चा ग्राफ में मेजरली सही था, तूने शायद स्केल नहीं लिखा है। हाँ और बेटा एरो एरो मार्क करो, जो कोऑर्डिनेट जो तुमने लिया है तीन, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखो, लाइन की इक्वेशन लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखो गुड लिखा है, नेक्स्ट ग्राफ पे देखो बैड भी लिखा है, पढ़। हाँ बहुत ही बढ़िया, ठीक है, तो दिखा वो गुड काट दो बैड ही लिखता बोला पागल। अब गाइस 27 अ गुड क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, आई वाज प्रीटी हैप्पी टू सी इट। देखो डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, कुछ बच्चों ने लिखा है सर डायमीटर्स आर इक्वल हेंस रेडियसेस विल आल्सो बी इक्वल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, मतलब आपने रेडियस इक्वल प्रूफ कर दिया है। स्लांट हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, रौनक इसका मतलब बच्चा स्लांट हाइट एक का 5 और दूसरे का 4 ऐसा नहीं लेना है, तूने वो किया हुआ है कोन 1 कोन 2 दोनों के रेडियस आर आर हो गया है, इसका स्लांट हाइट मेरा कुछ भी मान लो 5:4 तो 5L या 5Y और इसका भी 4L या 4Y, सी ऐसे क्या हो जाएगा पाई आर एल, इस जगह पाई सॉरी आर एल रेशियो निकलेंगे पाई आर पाई कटा एल एल कट गया, आंसर 5:4 हो गया। ओके हाँ अच्छा वही वही तूने भी वही किया है, तूने किया क्या, फिर रौनक ने शायद से ठीक किया है। हाँ तो तेरी गलती है, रौनक तेरा सही था, सॉरी यार। हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं, 5 नहीं मान सकता बेटा, एक मिनट। हाँ एक मार्क दिया है, दो मार्क दिया था मैंने, ला काटता हूँ अभी, बच्चों ऐसी थोड़ी हरकतें करना है ना अपने को। देख राजा तो समझा नहीं बेटा, अभी समझ गया अच्छा। हाँ अब ये देखो गाइस, ये 28th वाला क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे BVM के इतने फेवरेट्स में तो होता है, सेंटर पॉइंट के ना शायद अभी पूछा था कैसा पैटर्न वाला एग्जाम में, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म के अभी जो तुम्हारा था। आई एम नॉट सेइंग कि अब नहीं पूछेगा, मैं ऐसा नहीं होता, तूने या तूने किसी ने करस्पॉन्डिंग स्टार्ट किया था पहले करना, कोई तो भी एक उसने काटा है फिर बाद में सही किया, नहीं पक्के से नहीं, नहीं तेरा नहीं है। हाँ तूने, हाँ वही, क्योंकि मेरे को ये याद था कि मेरे को पहले वही डर लगा कि भाई तेरे को समझता नहीं कि ऑल्टरनेट 20 एंगल, फिर तूने बाद में सही किया हुआ है आधा, उसके बाद की गलती है, मुझे ध्यान नहीं, तूने पूछा तो था मुझसे कुछ, क्या पूछा तो ध्यान नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर दो लाइन है पैरेलल है एक ट्रांसवर्सल है तो इनके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स भी पैरेलल हो जाएंगे। रौनक ये तेरा गलत हुआ हुआ है, प्लीज़ देख ले, तुमको पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि ये दो लाइन है पैरेलल, अच्छा ये पहले तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये एक्स और ये एक्स जो भी नाम आएगा आप लोगों का, फिर
ये भी एंगल बाई सेक्टर, ये वाई, ये वाई। अब क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर्स है इसलिए लिए 2x इज इक्वल टू 2y, पूरे करें नाम में लिखोगे आप लोग, 2x और 2y अगर इक्वल हो गए हैं, 2 2 कट जाएगा आपका, तो ये कट गया x इक्वल टू y। फिर अगर ये मान लो, मेरे को पता नहीं कि ए बी, ये सी और ये डी है, तो x की जगह पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि एंगल ए बी सी हो रहा है वो, और y की जगह पे एंगल बी सी डी लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि बच्चा लोग ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, उस कारण से ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑल्टरनेटिव इंटीग्रल। तूने वो आखिरी वाला ढंग से नहीं किया हुआ कुछ तो भी, हाँ वही है ना, तो तेरा x कौन से इक्वल है, कौन से ऑल्टरनेटिव इंटीग्रल सारे वो बताना पड़ेगा। अच्छा जो भी, हाँ मे बी, हाँ। अब सुनो, जिनको ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन में भी इश्यूज अगर है, मुझे प्लीज भेज देना ये चीज, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप लोगों की मैच्योरिटी अच्छी खासी आई, आप 2 की स्पीड में ही भगाओगे गाड़ी को, उसको फट 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 समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन गाइस, दैट वाज सॉरी, कितने तेरे को लग रहा है बेटा, जब लिखना पड़ता है तब, हाँ नहीं वही, हाँ बट वो है अच्छे खासे 3 मार्क के ही है वो। और मैं जानता हूँ ये चीज़ें, मैं तो बहुत टाइम बाद 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर रहा था, मेरा हो गया था डेढ़ से सवा से डेढ़ घंटे में, ठीक है, क्योंकि मेरे को, और राधर मेरे को ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था, क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ें हुआ क्या था, मेरे को एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ रहा था। बट ऑब्वियसली अब मैंने ही क्वेश्चन पेपर आया था, मेरे को सब जगह ट्रिक पता थी कि क्या क्या है, और मैं तुम्हारे से 10 गुना ज़्यादा जानता हूँ वो चैप्टर के लिए भी, तो मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा था। बट हाँ मैं जानता हूँ लिखते 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 वो एक डेढ़ घंटा बहुत हाथ दुखता है, बट गाइस करना तो पड़ेगा। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 29, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन हियर। इतना अच्छा करते करते वो क्वेश्चन के अंदर पता नहीं तूने एक पगले जैसी हरकतें कैसे कर दी, ठीक है, और भी कई लोग, आई थिंक तेरा तो पूरा ही गलत है, आई थिंक एक आधा किसी का सही है, मुझे ध्यान नहीं किसका, हाँ अनय का सही है, करेक्ट, हाँ एक सेकंड, क्या आर्यमन बेटा ऑनलाइन सेशन नहीं है, ऑफलाइन ही है, जल्दी आ, सुना गया, हाँ गाइस शांत 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 शांत। अब देखो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो दिया हुआ क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द टू इक्वल साइड्स, देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। जानवी और ऐसा बहुत लोगों को क्या किया गया, उन्होंने स्टार्ट में उन्हें सर्कल बना दिया। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को प्रूफ करने का सर्कल बनाना जरूरी नहीं होता है, अगर आपको क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक बताना है बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स का सम 180 बताना पड़ेगा। तो पहले इसका डायग्राम समझ लो, कुछ तो भी ये ए बी सी आइसोसेलस ट्रायंगल, इसमें ए बी और बी सी इक्वल है, कुछ तो भी, कुछ भी नहीं मिलने वाले, ये डी और ई, ये खत्म। कई बच्चों ने क्या किया ना, इसको कुछ ऐसा जोड़ दिया है, इसको कुछ ऐसा जोड़ दिया, पता नहीं क्या कर रहे थे, पर ठीक है कोई बात नहीं, चलता है लाइफ है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये पैरेलल है इससे आइसोसेलस था, ठीक है, तो गाइस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, बता सकते हो। अब बच्चा लोग क्योंकि ये पैरेलल था, बात ही खत्म हो गई, को इंटीरियर एंगल सर 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको दिखाना है एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, हेंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल राजा। वो तो हो ही सकता है यहाँ पे किसी ने, तो भी वो डी और ई के इसमें मिड पॉइंट जरा मगरे भी लगाने की बहुत कोशिशें की हुई है लाइफ में अपने। एक मिनट हो जाओ, एक मिनट हो जाओ, एक मिनट हो जाओ, एक मिनट हो जाओ, एक मिनट हो जाओ। अच्छा लोग हाँ कोई को, एक, एक, बोल अभी क्या बात, हाँ बोल, हाँ वही वही तूने क्या किया ना बच्चा, तूने ये वाई वाई भी चल ठीक है, फिर लीनियर पेयर से 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई भी कर लिया, वो तेरे को आगे जम ही रहा बेटा, क्योंकि ये पैरेलल जो करस्पोंडिंग एंगल से एक्स और वाई इक्वल हो रहा है, तूने वो नहीं किया। हाँ बेटा कौन ये यहाँ पे बनाई है तूने, तो बेटा वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज इंटरसेक्टिंग वो नहीं, बट वो अगर वैसा रहेगा तो क्वाड्रिलैटरल ही नहीं बन पाएगा ना तेरा, किसको इसको ऐसा तो ट्राइंगल तो ना,
ये क्रॉस बनता है, इसको क्रॉस बोलते हैं। क्यों क्यों? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, तो बैठ। ये हो गया गाइस यहाँ तक के, ठीक है यहाँ तक के हो गया है। बढ़ू आगे, हाँ अभी समझाए। हाँ हाँ गाइस, आई वुड रिकमेंड दोनों पेयर्स को सप्लीमेंटरी प्रूफ कर देना, ज़्यादा आग से मत खेलना वहाँ पर बैठ के, आधा माँ घुस जाएगा नहीं तो। ठीक है चलिए बढ़ाए आगे, रुक जाओ। अब ये देखो गाइस, ये 30th क्वेश्चन, ये वैसे 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का है, 9th स्टैंडर्ड में कई बार पूछा गया है, क्योंकि कंसेप्ट तुमको बताया गया है, ठीक है ना। वो कहे ओ भाई मर जाएगा एक दिन जो तू कर रहा था उसमें, ठीक है ना, बहुत बुरी मौत मरेगा, एक एक का वॉल्यूम है सर्फेस एरिया निकाल रहा है। पहली बात सुनो, कुछ चीज़ को पिघला के कोई नई चीज़ अगर बनाई जाती है तो सरफेस एरिया कंजर्व नहीं होता है, वॉल्यूम कंजर्व होता है, समझा ये चीज़। तो जो पहले का वॉल्यूम था वो आगे का वॉल्यूम रहेगा, तो पहले तीनों के वॉल्यूम्स का सम, वॉल्यूम वन प्लस वॉल्यूम टू प्लस वॉल्यूम थ्री इज गोइंग टू बी फाइनल वाले का वॉल्यूम। पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाए आर क्यूब, दूसरे वाले का हो जाएगा 4/3 पाए आर क्यूब, तीसरे वाले का हो जाएगा 4/3 पाए आर क्यूब, नए वाले का है 4/3 पाए कुछ कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाए कॉमन निकलेगा, धमादम धमादम सब कुछ कटेगा, तो बचेगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो ना शायद फाइनल आंसर में गलत किया, कुछ 9 लिखी है कुछ, हाँ तो वो तूने 12 लिखी है, गलत लिखी है, हाँ वो पता नहीं, कुछ वो गलत की थी। ये देखो ये हो जाएगा 216 512 प्लस 1000, सम कितना आ रहा है बेटा इससे, 1728। तो बच्चा लोग ये हो गया है आर क्यूब, ठीक है ना। कई बच्चों ने आर के लिए 12 लिखी है, और 12 सेंटीमीटर ने लिखी, इसलिए आधा मार्क कटा है उसका, तूने कई जगहों पर यूनिट लिखा है अने, ठीक है ना, तीनों का नहीं बच्चा, हाँ हाँ तूने तीनों का क्यूब रूट किया बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब रूट इज नॉट ए प्लस बी प्लस सी। देखो पहले क्यूब्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा, देख इसका क्यूब हुआ 216, इसका क्यूब हुआ ये, इसका क्यूब ये हुआ, इनको ऐड किया जो कि ये हुआ, फिर ये आर क्यूब के बराबर है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक समझ जाओ, तो आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो रही थी, हाँ बोल, चलो सही था, नहीं हाँ क्यूब रूट ऑफ 1728, आधा मार्क से कम एक मार्क तो कटना चाहिए, ठीक है, हाँ बोल रुद्र। 4638, अच्छा देखो अब गाइस देखो, ओए 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 ओए, ये तो अच्छी 6810 क्यूटली आप लोगों को 1728 दे रहा था, जो 12 का क्यूब है, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे नंबर्स गलती से दे दे वो, इसका क्यूब रूट नहीं हो, तो उस समय पे आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ जो भी 26, तो क्यूब रूट 26 पे आके छोड़ देना, उसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी आती नहीं है, ठीक है ना। 468 क्या करूँ, अच्छा वो तीनों वैल्यू 468 डू, अगर मान लो ये है ठीक है डेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा 4 का क्यूब, ये आ जाएगा 4 का क्यूब, 4 16 64 हो जाएगा बेटा ये। अब इसका सम कितना होगा मेरा, 512 216 एंड 64, 10 12 प्लस 1 6 9, 792 हो रहा है, 792 किसी का क्यूब नहीं होता, अच्छा हाँ 1728 कैसे आया, या 1728 का क्यूब रूट कैसा है, तो क्या क्यूब रूट, यस देख 1728 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू किया बेटा, 2 से गया 864, 2 से गया 432, 2 से गया 216, 2 से गया 108, 2 से किया 54, 2 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, बेटा मुझे क्यूब रूट निकालना था, तो तीन तीन के पैर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 और 3, इसका 1 2, इसका 1 2, इसका 1 3, आंसर कितना हो गया, अच्छा अपना 3 2 6 हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब रूट का मेरे को नहीं आता है, स्क्वायर रूट का, जिनको लॉन्ग डिवीजन का स्क्वायर रूट का चाहिए मुझसे वीडियो मांग लेंगे वो लोग भी, ठीक है ना, नहीं क्यूब रूट का लॉन्ग डिवीजन से होता ही नहीं है, नहीं होता है तो मेरे को नहीं आता है बेसिकली, ने मुझसे जो अपन ने अभी तक सीखा नहीं है, फाइन। अब देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 31,
बेटा ये क्वेश्चन अपन ने अलग तरीके से किया हुआ है, बुक में अलग तरीके से कराया हुआ है, पर दोनों तरीके सही है। एक सेकंड, इसमें दो बच्चों ने, जिसमें एक रौनक पक्का से है और भी कोई बच्चा है जिसने गलत किया हुआ है, एक बार सुन लो। तुमको गिवन में क्या है बेटा, ये इक्वेशन ये गिवन है और साथ ही साथ में ये पूरा इक्वेशन ये पूरा गिवन है। अपन लोग क्या करते थे इसमें, ए बी इक्वल टू ए सी होने के कारण एंगल बी और एंगल सी आइसोसेलस ट्रायंगल के कारण इक्वल, फिर अपन ए बी ई और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट बता पाते थे बाय एस ए एस, सी पी सी डी से अपना हो जाता था। कुछ बच्चे लोग क्या करते थे, बी डी इक्वल टू, वो छोड़ जाता, मैं बता ही नहीं रहा, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने, जिसने अरब भी है, रौनक भी है, वो आने बेटा, ठीक है, तो उन लोगों ने हाफ ऑफ इक्वल सर इक्वल करके कुछ तो बी डी इक्वल टू सी ही लिखा है। नहीं तो और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, हाँ तो एंगल बी और एंगल सी ही इक्वल होगा, अच्छा और नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही वो किया आप लोगों ने, क्या बोलते हैं, हाफ और हाफ इक्वल्स होते हैं, बेटा डी काय का मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, यानी वो मुझे समझा ही नहीं कहाँ से वो मिड पॉइंट सारा लगाया आप लोगों ने, तो वो हो जाएगा गलत। ये सिंपल था, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, आई वॉज प्रीटी हैप्पी टू सी मोस्ट ऑफ यू डूइंग इट करेक्टली। हाँ मैं कर ही रहा हूँ, देखो अभी वाला, हाँ भाई दिखा देना मेरे को, हाँ अब ये देखो, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपको दिया गया है जिसका डायमीटर 10 है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो रहा है वॉल्यूम, हाँ बी डी इक्वल टू ई सी, नहीं ए डी इक्वल टू ए, हम लोगों ने ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू 5 है, वॉल्यूम 2200/7 दिया गया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, तो 2200/7 इज 1/3 π 22/7, आर की वैल्यू क्या है 5 है, 5 × 5 × h। कोई एक बच्चा है जिसने यहाँ तक सही किया, शायद जान भी तू है क्या, जान भी नहीं तू, मेरा कैलकुलेशन में गलती किया यहाँ के आगे, क्योंकि एच की वैल्यू कुछ ज़्यादा आई थी, आई थिंक यहाँ से एच की वैल्यू 12 आती है, अच्छा एच की वैल्यू जैसे 12 आ गई है, आपको आर पता है आपको एच पता है, तो आप एल निकाल लोगे कैसे, पाइथागोरस से, तो वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, फिर अपन लोग सी ए से निकालेंगे, वो पाई आर एल हो जाएगा, जैसे ये निकाला पाई रेडियस जो भी था आर एल, एक कोई बच्चे ने तो फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ तो उसका आधा मार्क काटा है, हाँ क्या बेटा वहाँ पे लिखा डेसिमल होगा, मैंने देखो लिखा डिक डायमीटर है, वो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिखा मैंने अपनी अपनी हैंड राइटिंग, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 33, ये आई थिंक आप लोगों को आ चुका है अभी वाले के, हाँ अरे वो बात वो नहीं है, आएगा नहीं, आई होप यही वापस से आए, ठीक है। अब देख लो एक बार, बट सही बच्चा। अब गाइस देखो, ओए ये देखो, ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये इक्वल टू ये पता है, अपोजिट साइड का पैरेलोग्राम आर इक्वली, अदनान तूने अच्छा किया वाला, तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, ये ए ई इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, ये पैरेलल टू ये है, अपोजिट साइड का पैरेलोग्राम आर पैरेलल, उस कारण से पार्ट्स भी पैरेलल हो जाएंगे, तूने वहाँ पे हाफ जो पैरेलल सर पैरेलल लिखा है, हाफ नहीं कितना भी पार्ट्स है तो पैरेलल रहेगा, ठीक है, बस इंप्लाइज का रीजन लिखना ही नहीं पड़ता वैसे। ये हो गया है बेटा, ये पूरा का पूरा इससे पैरेलल अगर है तो ये पार्ट्स भी पैरेलल हो जाएगा, अब इसके कारण मेरा इम्प्लाइज ए एफ सी ई पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब वो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उस कारण, क्योंकि क्यों हुआ है पैरेललोग्राम, इफ वन पर अपोजिट साइड इज पैरेलल इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, आई थिंक राजा तेरा सही है वाला, हाँ तो अब ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा मेरा पैरेलल हो जाएगा, क्या इम्प्लाइज ए एफ विल बिकम पैरेलल टू सी ई, ये मुझे आगे काम में आने वाला है, ठीक है। अब मैंने ट्राइंगल लिया है ए बी पी, उसके अंदर ये इक्वल टू ये मुझे गिवन है और ये पैरेलल टू ये मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है, उस कारण से ये और ये इक्वल हो गया है। फिर मैंने ट्राइंगल बी से डी क्यू सी, यानी ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर ये इक्वल टू ये मुझे गिवन है और ये पैरेलल टू ये मैंने अभी यहाँ से किया है, उस कारण से कौन सा मिड पॉइंट से ये आ जाएगा, किस्सा ख़त्म, समझा ये चीज़, तीनों इक्वल है, मेरे को हो सकता है मैंने लिखा नहीं हो, देखा नहीं था कहाँ है बच्चा क्वेश्चन तेरा।
हाँ सही है, 5 मार्क ले लो उसके। अब गाइस देखो 34th, ओए वो मांग ले बातों से। हाँ अब गाइस ये वाला देखो, अरे यार ये कई बच्चों ने उसको सिंपल तरीके से बना दिया। अबे वो वेरिंग विड्थ वाला क्वेश्चन हो गया ना बेटा। यहाँ पे देखो इसी पहले वाली की विड्थ कितनी है, 1 1 2 2 3 5 2। बेटा यहाँ पे खुद की फ्रीक्वेंसी अपॉन खुद की क्लासमेट इनटू कॉमन क्लासमेट वाला है, ठीक है। एक क्या हूँ क्या अब ये देखो गाइस, खुद की फ्रीक्वेंसी अपॉन खुद की क्लासमेट इनटू, आप लोगों को सबसे छोटी लेनी है आप छोटी लो, कॉमन लेनी है कॉमन लो, 3.14 लेनी 3.14 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है लेने के लिए, अपनी अपनी खुद ले, ठीक है। मैं 2 ले रहा हूँ, इससे मेरा 10 आया, 3/1 × 2 ये 6 आया, 6/2 × 2 लो, उससे बेटा आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, 12/2 × 2 से 12 आ जाएगा, 9/3 × 2 से 6 आ जाएगा, 10/5 × 2 से बच्चा मेरा 4 आ जाएगा, एंड 4/2 × 2 से मेरा आंसर 4 आ जाएगा। तो ये न्यू हाइट्स हो जाएगी। हाँ हाँ मैंने ग्राफ ही देखा, मैं टेबल नहीं देखा था गाइस, ये ठीक है। अब गाइस ओए 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 ओए, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35 बीइंग रियली इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने, कई लोगों ने ना इसको इंटरप्रेट ही गलत किया, कई लोगों को ये थ्योरम का प्रूफ लग रहा था। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, उन लोगों ने टू इक्वल कॉर्ड्स पढ़ा, उनको लगा इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर वाला क्वेश्चन हो गया ये। नहीं यार, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू, ये क्या कर रहा है उसको एंगल इक्वल सबटेंड कर रहा है, ये प्रूफ करना है। तो आप लोगों को ये परपेंडिकुलर्स बनाने हैं। यहाँ पे कोई तो भी एक बच्चा है जिसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही ओ माना हुआ है, तो हाँ क्या किया, मेरे को समझा ही नहीं वो। ये देखो ये हो गया है और ये पी है, हाँ कोई सा बोला, हाँ ये क्यों नहीं इक्वल प्रूफ कर रहे हम लोग। उसने बोला है प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बाइसेक्टिंग द एंगल, तो मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, एंगल विद द कॉर्ड तो ये वाले ही रहेंगे ना बेटा। प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर, ये जो लाइन है क्यों करूँ, तो वो क्यों करूँ क्यों मैं, जब उसने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बोला है तो वो क्यों होगा बेटा जॉइन। वो क्वेश्चन पर प्रूफ दैट अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर, ये वाला इज मेकिंग इक्वल एंगल्स, ये लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, पर ओ ए जॉइन क्यों करूं मैं। अच्छा तेरा ये बोलना है कि ये कुछ भी ये एंगल हो रहा है, ये ओ बी ने क्या पाप किया था, वो तो फिर ये एंगल होना चाहिए था ना, ओ ए क्यों, अरे कॉर्ड तो ये है, कॉर्ड ए ओ थोड़ी ए पी थोड़ी है कोई कॉर्ड, ये पॉइंट ऑफ सेंटर से इंटरसेक्शन से ये कॉर्ड के बीच का एंगल ही होता है, चुपचाप बैठ चल, ये समझा आप लोगों को, ये दोनों ट्राइंगल्स को अपने कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या डायग्राम बनवा दिए, रुक एक रुक रुक रुक, ये हुआ है बेटा, ये दोनों के दोनों एंगल 90 अपने भाई कंस्ट्रक्शन करोगे, ये इक्वल्स टू ये क्यू इक्वल कॉर्ड था इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कई बच्चों ने यहाँ पे एस ए एस लिख दिया है बेटा, कॉन्ग्रुएंट आर एच एस से है फिर सी पी सी टी से आ रहा है वो, हाँ बोल। अबे तो तूने बनाई क्या डायग्राम है, कुछ तो भी की है, तो तूने उसके बाद में देखना, तूने एंगल्स एंगल सब कुछ गलत लिखी हुई है, नहीं ऐसे ऐसे नहीं, अगर एक एंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस इज इक्वल हो
और एक एक साइड इक्वल हो, तेरा वो ए एस एस हो रहा है, वो एस ए एस नहीं हो रहा है वैसे, समझा हो जाए। देख उसमें, हाँ तो देख मैं तेरे को डिफरेंस समझाता हूँ आर एच एस और 90 डिग्री एस ए एस वाले में। ये दो 90 दिए हुए, बट मेरा ये साइड इससे इक्वल है और ये साइड इससे इक्वल है, हाइपोटेन्यूज तो आया ही नहीं, तो एस ए एस हो रहा है। बट यही अगर मान ले ये और ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ गया, इसलिए आर एच एस हो गया। वरना देखिए वैसे तो ए एस एस वाली बात हो रही है जो कि नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ बेटा पूरे मार्क्स करने चाहिए, चलो। हाँ इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल सब सेंटर ट्रिपल एस, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ये वाले का ये है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल का प्रूफ नहीं है। अब गाइस ओए शांत बेटा, अब ये देखो प्लीज, ये देखो आप लोगों को हाउ मच क्लॉथ विल बी कवर्ड टू कवर रिक्वायर्ड टू कवर टू बिग डोम्स ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ईच। पहली बात तो इसमें टी एस ए नहीं लगेगा, क्यों लगेगा यार, कोई भैताड़ा बच्चा पैदा हुआ है क्या, ये यहाँ पे क्या इसको कवर कर दिया घर के अंदर के लिए और ऊपर ऐसा गोल तुम्बा बना दिया, तो चिड़िया भी नहीं उड़ पाएगी अंदर, जो लास्ट टाइम चिड़िया का क्वेश्चन आया था। ये सिर्फ ड्रॉइंग के लिए नहीं बनाते हैं मेरे भाई लोग, जिससे ज्यादा जगह मिल जाए अंदर। ताजमहल गई है नहीं। जा वहां पे हीरो रांझा की भी स्टोरी है वैसे, ठीक है ना। हाँ हाँ दीक्षा भूमि भी जा, वो वहां पे मैं नहीं गया एक्चुअली, मतलब मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। अब ये देखो ओए, यहाँ पे सिंपल सा आपको सी एस ए निकालना था, दैट इंटू टू करना था, कोई तेरी कैलकुलेशन गलती है शायद इसके अंदर। हाँ ठीक है नेक्स्ट, ये सेकंड सब पार्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीपीएस, तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। थर्ड सब पार्ट बहुत ज्यादा आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हर तनिषा तेरा भी, हाँ सप्ताह गलत है वाला, ठीक है बेटा। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियस वन, टू दूसरा स्पीयर जिसका रेडियस टू हो रहा है। बच्चे लोगों ने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। अब सुनो 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 सुनो, आप लोगों को पहले वाले का दो हेमिस्फीयर्स का रेशियो टू वन स्फीयर का रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम्स का क्या हो जाएगा, टू इंटू वन क्या है, टू बाई थ्री पाए आर का क्यूब अपॉन इसका क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री पाए टू का क्यूब, फोर बाई थ्री पाए कटेगा, आंसर 1:8 आएगा। चिल्ला चोट नहीं करना सर, हमारा भी तो 1:8 आया, मार्क्स नहीं दिए, तुम लोग ने स्फीयर ले लेके कर लिए हो। चलो दो हेमिस्फीयर तो स्फीयर ही बनाते हैं ना, नहीं लिखा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है तेरा 1:4 तेरा वो गलत है ना, तूने शायद दो हेमिस्फीयर नहीं लिया है और तीसरा तूने दूसरा भी हेमिस्फीयर ले लिया है वैसा कुछ है। हाँ तो वो ठीक है, बट जो कंसेप्ट है वो समझ आया, तूने गलत हेमिस्फीयर लिया है। एक संख्या मुझे नहीं समझा तूने क्या की, और वैसे 4:8 कैसा आया, 4:8 भी अगर है तो 1:2 करना पड़ेगा सिंपल। ठीक है अब गाइस ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें भी एक दो बच्चों ने गलती की है। हाँ ये को ये तुमको पैरेलल दिया गया था, ये ट्रांसवर्सल है, ये 60 डिग्री है, बी एच जे मांग रहा है वो ये वाला, तो ये 120 रीजन लिखो रीजन लिखो, वो एक मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। 120 डिग्री नेक्स्ट ए एच जे का लीनियर पैसा 60 हो जाएगा या अल्टरनेटिव इंटीग्रल 60 हो जाएगा, बी एच जी इसके लीनियर पैर या इसके वर्टिकल या फिर करस्पॉन्डिंग आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन एक बार देखो वापस से प्लीज देखो, यहां से बच्चों को आता है इशू जो स्कूल की मेथड के अंदर, यहाँ पे वो जो अपन मेथड सीखे है ना वो मेथड से समझाना शुरू करते हैं, इसलिए अपन ने सिर्फ एक ही मेथड रखे, ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हो ऐसे ही कर लो,
जानवी तेरा फर्स्ट या सेकेंड सब पार्ट सही है शायद, थर्ड सब पार्ट में गलती किया तूने। हाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 दी हुई है आपको, x प्लस वन बाय एक्स की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है वो। देखो इसके और इसके बीच में होल स्क्वायर का रिलेशन चलेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कट जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो किसकी वैल्यू पता है अभी, तो ये देखो इसको सही तरीके से लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 7 प्लस टू मतलब हो गया 9। अब स्क्वायर रूट टू का तो वैसे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 या माइनस 3 इसी पर वैल्यू बोली गई है, इसलिए मैं 3 लिए। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस वन बाई एक्स यही लेनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो देखो x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये हो गया 3 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब 3 पता थी 27 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9। ये इधर आया तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब हो गया मेरा 18। ये यहाँ तक के अच्छे क्वेश्चन थे, ये डिफिकल्ट था बेटा। इसके लिए अब आप लोगों को क्या करना रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से एक्स सिवा 4 प्लस वन बाई एक्स सिवा 4 निकालनी पड़ेगी। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखोगे, एक्स की पावर 4 प्लस 2 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 हो जाएगा। वैल्यूज डालोगे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये बन गया 49, वो 2 यहाँ पे आएगा वो बन जाएगा 47। समझाइए चीज क्या हुई है, श्योर? हाँ बोलो क्या बचा, की पावर 6 नहीं पूछेगा अपर लिमिट 0.5 ऐड करना पड़ता है, लोअर लिमिट 0.5। हाँ देख ये तेरा ना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही थी, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू या तो 3 या तो माइनस 3 आई थी, वो ये मत लो बोल रहा है राजा, ध्यान देना बेटा। समझाई थी क्या हुई है, यहाँ पे मेरे साइड से एक बार पेपर डिस्कशन खत्म होता है, जिनको कोई क्वेरी नहीं है वो फटाफट अपने घर पे निकलना शुरू करो, ठीक है? हाँ, जिनको क्वेरीज है वो रुको मैं बताओ, और जिन लोगों को जो वीडियोस चाहिए मुझे व्हाट्सएप करना शुरू करो। राजा ध्यान दे, 1 + 3y का होल स्क्वायर प्लस 9y² माइनस 1 था, मैंने पहले आइडेंटिटी लाके खोला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कट गया मेरा, ये हो गया 18y² प्लस 6y, पूरे से 6y कॉमन निकाला, 3y प्लस 1 हो गया, तो 3y प्लस 1 एक फैक्टर बन गया तेरा। हाँ बोल रहा था, वो हमेशा 0.5 ही रहने वाला है, वो हमेशा 0.5, हाँ हमेशा 0.5 रहेगा, 1 से 3, 4 से 5 अगर आए तो 0.5। अबे यहाँ ध्यान देना जब बता दो, तो 0.5 से लेके 3.5 फिर 3.5 से लेके 5.5 ऐसा रहेगा, वो नहीं दिमाग लाना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, हमेशा यही रहेगा खत्म। दे विल नेवर गिव यू क्लासेज एज ये 1 से 10 से लेके 20, 25 से लेके 35, ऐसे क्लासेज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हाँ हाँ, अगर डिसकंटिन्यूस क्लासेस है तो कंटिन्यूस बनाने के लिए, सब में कभी भी रहा तो करेगी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर, तेरे दोनों इंटीरियर एंगल्स का रेशियो 2:3 है, 8 है ना, 8 तो वही तो है, 2:3 है तो 2x3x हो जाएगा, तो उसका सम 180 होने वाला है, तो 5x = 180, उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा? बच्चा पहले तो तूने, अच्छा ये इंटू 2 की थी क्या तूने? अच्छा वो 2 मैंने पढ़ा, सॉरी सही है तेरा, एक मिनट तेरा कौन सा वाला, टैक्सी फेयर वाला? हाँ देख तेरा क्या दिया हुआ है, x किलोमीटर जा रहा है
पहले किलोमीटर का मान ले कुछ 10 रुपये दिया था उसने, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। सबसिक्वेंट ने बचे कुछ है किलोमीटर्स का कुछ 8 रुपये पर किलोमीटर है, तो वो 8 टाइम्स x-1 हो रहा है। तो टोटल तेरा क्या हो जाएगा, 10 + 8 x-1, ये टोटल बिजली का बिल नहीं क्या रहे, टोटल वो आ जाएगा। मोशन बेटा, बाय बाय।